अगर अपने शहर में यह क्लब ना होता तो हर शाम हम पर भारी पड़ जाती। क्यों? बात सही है। अरविंदा तुम खामोश क्यों हो भाई? अरे मेरा पार्टनर भी तो खामोश है। क्या खेलूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात है फनिश, क्या पत्ता फेंका है यार। अगर ये पत्ता नहीं फेंकता ना तो अपनी बाजी नहीं थी। चल पत्ते बाट। क्या यार, फिर जीत गया। आप इस क्लब के नए मेंबर हैं? इस क्लब का ही नहीं, इस शहर के लिए भी नया हूँ। लगता है आप ब्रिज के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। हाँ बस खेल लेता हूँ। आप खेलिएगा, बैठिए ना। नहीं नहीं आप लोग खेलिए, मैं बस यूं ही। नहीं मुझे भी कहीं जाना है। कैसे पॉइंट है? 1 रुपया पॉइंट चलेगा। जैसे आपकी मर्जी। आइए आपका इनसे परिचय करवा दूं। ये है मृगेण। नमस्कार। वो है अरविंद। नमस्कार। और ये है मधुमेह सूर। नमस्कार। और मैं हूँ फणीश। हम सब रोज यहाँ आते हैं। मेरा नाम प्राण हरि है, छोटा मोटा महाजनी का धंधा करता हूँ। आपके शहर में एकदम नया हूँ। अभी आप नए कहाँ हैं? अभी तो हम रोज मिलेंगे यहाँ पर शाम को। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अच्छा तो आप लोग ब्रिज के अलावा दूसरा कोई खेल नहीं खेलते? दूसरा? आपका मतलब दूसरे खेल से? पोकर या रनिंग फ्लश? नहीं नहीं, जुआ खेलना एकदम मना है। ब्रिज जुआ नहीं है ना? जिसने भी ताश के खेल का आविष्कार किया है बहुत सोच समझ कर किया है। मतलब ताश एकांत में और अपनों के बीच खेला जाए तो ज्यादा मजा आता है। हमारे लिए तो यही एक जगह है, और कहां जाए। आइए ना आप सब मेरे घर, फ्लश खेलेंगे। खेल में पैसा ना लगे तो खेल खेल जैसा नहीं लगता। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा आप रहते कहाँ पर हैं? यही शहर के बाहर, उन्होंने कहा माइंस के रास्ते पर मेरा घर है। अच्छा ठीक है, किसी दिन चल चलेंगे। किसी दिन क्यों, कल ही आइए ना। आइए आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आप समय के बड़े पाबंद है। आइए, मकान आपका बहुत आलीशान है। हाँ सजाया सजाया मिल गया, बैठिए ना। थैंक यू। यहाँ अकेले ही रहते हैं? हाँ अब तो अकेला ही हूँ। कब शादी हुई, कब पत्नी गुजर गई पता ही नहीं। कटक शहर में रहता था, वहाँ कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए सब कुछ बेच बाज कर यहाँ चला आया। बस दिन काट रहा हूँ। और खाना पीना है? एक नौकरानी है कटक में भी साथ थी, यहाँ ले आया हूँ। अच्छा अच्छा चलिए पत्ते बांटते हैं। अरे अरे कुछ जलपान तो कीजिए। मोहिनी ये मोहिनी है, खाना बहुत अच्छा बनाती है। अरे लीजिए खाइए ना। कटलेट तो आपने बहुत ही अच्छा बनाया है। चलो अब खेल शुरू करते हैं। पहला राउंड तो कंपलसरी ब्लाइंड होगा। हाँ मालूम। ये मेरा ब्लाइंड। मेरा भी ब्लाइंड। मेरा भी ब्लाइंड। मेरा 2 रुपया ब्लाइंड। पैड। जय लक्ष्मी। पैक है। पैसे डाल। कलर क्या हुआ? डबल बादशाह। ₹5। 10 रुपए ब्लाइंड। पैक।
फिर भी ब्लाइंड ब्लाइंड दो रुपए ब्लाइंड दो रुपए ब्लाइंड मेरी दो रुपए ब्लाइंड मेरी भी दो रुपए ब्लाइंड मेरी भी दो ब्लाइंड ब्लाइंड ये क्या हो रहा है आप पत्ते लगा रहे हैं क्या हुआ प्राणहरि बाबू ने पत्ता हाथ से नीचे फेंका क्या पत्ता कैसे आ गया पता है प्राणहरि बाबू ने बांटा था ना इसका मतलब ये पत्ता लगाते हैं ये बेईमानी नहीं मेरी बात सुनो देखो 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 मैंने जबरदस्ती नहीं लिया भाई साहब और मेरे तो तीन निकल गए यार ओहो अरविंद तो हमेशा अंदर घुसा रहता है यार अरे ये रोज का धंधा है पता नहीं अकेले में क्या बातें करता रहता है मुझे तो लगता है ये साला मोहनी पर लट्टू हो गया अच्छा आज हम कितना हारे यार रोज तो 4-5 हजार हार ही जाते हैं बस हारो गए प्राणहरि पत्ते जो लगाता है सॉरी लेट हो गया यार चल क्यों क्या बात है बड़े गुस्से में लग रहे हो चोर है साला कौन अरे प्राणहरि और कौन क्यों क्या हुआ रोज मोहिनी को हमारे सामने रखकर हमें बेवकूफ बनाकर पत्ता लगाता है कुछ ही दिनों में हजारों रुपए लूट लिए उसने बुड्ढे को सबक सिखाना ही पड़ेगा चलो चलो ओ फनिश तुम लोग यहाँ हो कमाल हो गया मैं पूरे क्लब का चक्कर मार आया हूँ अरे यार आज अपनी टेबल खाली नहीं है अच्छा वो बुड्ढा आज भी नहीं आया तीन दिन हो गए लगता है वो इस क्लब का रास्ता भूल गया है चोर के दाढ़ी में तिनका साला घर में छिपकर बैठ गया होगा अरे उसे पता है यहाँ आएगा साले को जूते पड़ेंगे जो हुआ उसे भूल जाओ ना भूल जाए अरे उसे मजा नहीं चकाया तो मेरा नाम अरविंद हालदार नहीं हाँ। क्या फायदा मक्खी मार कर खुद ही हाथ गंदा करोगे उसको तो सीधा करना ही होगा चलो साले को जम के बजा आते चलो अरे मरे को मारने से क्या फायदा ओ महाशय जरा इस काम को हमें बहुत सावधानी से करना होगा हम चारों के अलावा किसी और को पता नहीं चलना चाहिए ओके चलो आज ही चलते हैं लेकिन अपनी गाड़ी से नहीं जाएंगे क्योंकि ड्राइवर को पता चल जाएगा हम लोग टैक्सी लेकर जाएंगे और जरा टैक्सी घुमा के रखिए हम लोग अभी आते हैं अजीब बात है दरवाजा खुला है और यहाँ पर कोई है भी नहीं शायद ऊपर होगा तुम लोग यहाँ देखो मैं ऊपर देखता हूँ ठीक है ठीक ये बता ये बुड्ढा कहाँ गया होगा शायद ऊपर होगा अरे नहीं पहले अरविंद को तो आ जाने दो ऊपर तो दरवाजा बंद है शायद अंदर कोई नहीं हो सकता है कहीं अंधेरे में छिपा बैठा हो ऐसा करते सब लोग अलग अलग देखें ठीक है यहाँ नीचे तो कोई नहीं है मुझे लगता है ऊपर ही शायद छुपा हुआ बैठा है लेकिन उसे तो मालूम ही नहीं कि हम यहाँ आने वाले हैं डर तो वो उसी दिन गया था जिस दिन मैंने उसको धमकी दी थी तो चलो ना फिर ऊपर जाकर देख लेते हैं दरवाजा तो बंद है अरे एक बार देखने में हर्ज क्या है चलो अरे अभी अभी तो ये बंद था कोई बात नहीं चलो अंदर चलो 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 इंस्पेक्टर बराट हाँ आजकल मैं इस थाने का इंचार्ज हूँ इसके पहले आपसे एक केस के सिलसिले में मुलाकात हुई थी निशरत बाबू की मौत गुलाब कॉलोनी हाँ बैठिए बैठिए कहिए यहाँ कैसे आना हुआ वैसे तो किसी और सिलसिले से आया था लेकिन खून के मामले में उलझ गया हूँ
बस कुछ ही दिनों पहले यहाँ प्राणहरि पोद्दार नाम एक सज्जन का खून हो गया। ओ, तो खबर आप तक भी पहुंच गई। जिस रात प्राणहरि का खून हुआ उसी रात करीब 10 बजे उलोडोंगा कोलियारी की ओर से एक ट्रक आ रही थी। एक औरत ने बीच रास्ते में खड़े होकर उस ट्रक को रोका। ट्रक के रुकने पर उसने ड्राइवर को बताया कि उसके मालिक का खून हो गया है और उसे थाने में खबर करनी है। ट्रक ड्राइवर की रिपोर्ट पर हम आधे घंटे में घटनास्थल पर पहुंच गए थे। वो औरत मोहिनी थी? जी हाँ। अब वो कहाँ है? उसी मकान में। हमने उससे कहा भी कि तुम अकेली औरत हो, यहाँ इस वीराने में कहाँ रहोगी, हम कोई इंतजाम किए देते हैं। उसने मना कर दिया, कहा कि मैं दरवाजा बंद करके रह लूंगी, मुझे डर नहीं लगता। अच्छा, आपको इन चारों लड़कों पर शक कैसे हुआ? मोहिनी ने बताया कि चार लड़के अक्सर ताश खेलने घर आया करते थे। क्लब से पता चला कि ये वही चार थे जिनके साथ प्राणहरि अक्सर ताश खेला करते थे, और उन लड़कों के ड्राइवरों ने भी बताया कि अक्सर प्राणहरि के घर ताश खेलने जाया करते थे। तो वारदात की रात यही चार प्राणहरि के घर गए थे, ये आप किस आधार पर कह रहे हैं? पूछताछ के दौरान उनमें से एक ड्राइवर ने बताया कि ये लोग वारदात की रात में करीब 8 बजे पैदल ही कहीं चल दिए थे और करीब 10 बजे लौटे थे। कहाँ गए थे वो ये नहीं बता पाया। इस शहर में करीब 50 टैक्सियां चलती हैं। थोड़ी मेहनत के बाद हमने उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढ लिया जो इन चारों को लेकर कोलियारी के रास्ते पर प्राणहरि के घर से 100 गज की दूरी पर उन्हें छोड़ाया था। वो टैक्सी छोड़कर चले गए और करीब आधे घंटे में लौट आए थे। मैंने उस टैक्सी ड्राइवर को क्लब में ले जाकर उन चारों की शनाख्त भी करवाई। ये चारों वही थे, मृगेन, मधुमेह, अरविंद और फणीश। सभी एक एक कोयला खदान के मालिक के पुत्र हैं। इन चारों से अलग अलग जिरह करने पर वो लोग ये मान तो गए हैं कि कभी कभी वो प्राणहरि के घर ताश खेलने जाया करते थे, लेकिन जिस रात कत्ल की वारदात हुई उस रात वो लोग वहां गए थे ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। महज एक टैक्सी ड्राइवर के बयान पर मैं इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो नहीं कर सकता। चारों ने मिलकर हत्या की है ये तो संभव नहीं, क्योंकि चारों की पारिवारिक पृष्ठभूमि जैसी है उसमें अपराध तो कर सकते हैं लेकिन एकांत में मिलकर नहीं। आप ठीक कहते हैं। अरविंद हालदार का बड़ा भाई गोविंद हालदार मुझे 5,000 की घूस देने आया था। अच्छा, बड़ा ही धूर्त और चालाक आदमी है। मुझे इशारे में कह रहा था कि अगर मैं ये केस दबा दूं तो मुझे 5,000 और दे। अच्छा इंस्पेक्टर बराट, मैं प्राणहरि के घर जाना चाहता हूं और ये मोहिनी से मिलना चाहता हूं। हाँ जरूर, आज ही चलिए। लाश कहां पड़ी थी? यहां सर, इस तरफ था। ज्यादा खून के निशान तो नहीं दिख रहे? बुड्ढे के शरीर में खून था ही कहां। वैसे भी अक्सर सर पर चोट लगने से ज्यादा खून नहीं बहता। कोई हथियार मिला जिससे वार किया गया? जी नहीं, पूरे मकान में ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिसे हथियार कहा जा सके। इन अलमारियों को तो खोलकर देखा होगा, कुछ मिला? हाँ, हिसाब किताब के बही खाते और नकद 10,000 रुपए। 10,000 रुपए नकद? हाँ, महाजनी का धंधा करते थे, शायद पैसे घर पर ही रखते होंगे। बैंक में कुछ रुपए हैं? हाँ हैं, वो भी कम नहीं, पूरे 1.5 लाख। 1.5 लाख? उनका यहाँ पर कोई दफ्तर या ऑफिस है क्या? दफ्तर के नाम पे एक छोटा सा कमरा था और उसमें 2-4 बही खाते, लेकिन उसकी हालत देखकर ये लगता था कि महाजनी का धंधा ठीक नहीं चल रहा है। महाजनी का धंधा ठीक से नहीं चल रहा था और बैंक में 1.5 लाख रुपए और घर पे 10,000 नगद। वो क्या दरवाजा है? हाँ दरवाजा है। इसका मतलब इस कमरे में आने के 2 रास्ते हैं। जब आप यहाँ पहली बार आए तो क्या ये दोनों दरवाजे बंद थे? जी नहीं, वो दरवाजा बंद था, ये सामने वाला खुला था। मैं नीचे रसोई से लगे कमरे में सोती हूँ और वो ऊपर के कमरे में। उस दिन चाय पीने के बाद वो ऊपर चले गए और मैं नीचे
खाना बनाने लगी। शाम को वो खाना खाने के लिए नीचे उतरा करते थे, परंतु उस दिन नहीं आए। बहुत इंतजार करने के बाद जब मैं ऊपर पहुंची तो नीचे फर्श पर मालिक की लाश पड़ी थी। तुम क्या अक्सर ऊपर वाले कमरे में जाती थी? साफ सफाई के लिए तो जाना ही पड़ता था। यहाँ जो लड़के ताश खेलते थे वो कहाँ बैठकर खेलते थे? इसी टेबल पर। प्राणहरि बाबू के पास तुम कितने दिनों से काम कर रही हो? 2 साल से ज्यादा। जब वो कटक में थे क्या तुम उनके साथ थी? जी हाँ। उनके कोई रिश्तेदार है? जी मुझे मालूम नहीं, मैंने कभी किसी को देखा ही नहीं। प्राणहरि बाबू आदमी कैसे थे? जी वो मेरे मालिक थे, मालिक की बुराई नहीं करनी चाहिए, आप खुद ही समझ लीजिए। कोई बुरी आदत थी? जी नहीं, सिर्फ ताश खेलने का नशा था, अकेले बैठे बैठे ही ताश खेला करते थे। प्राणहरि बाबू का तो खून हो गया है, तो तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? कहाँ जाऊँ, इस शहर में मेरा और कोई नहीं है। तो वापस अपने गाँव क्यों नहीं लौट जाती? हाँ जाऊंगी, पर साहब ने हुक्म दिया जब तक खून का मामला सुलझ न जाए तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारा गांव में कौन कौन है? बूढ़े माँ और बाप। तुम्हारा पति? तुम्हारी तो शादी हुई है ना? हाँ। तो पति कहाँ है तुम्हारा? वो घर छोड़कर चले गए, लौटकर फिर नहीं आए। कब? करीब 3 साल हो गए। क्या काम करता था? कारखाना फैक्ट्री में काम करता था। ये जो लड़कियां अक्सर आकर खेला करते थे, तुम बता सकती हो उनमें से कौन कैसा आदमी है? कौन कैसा आदमी है, ये क्या किसी के चेहरे पर थोड़ी ना लिखा होता है। पर हाँ, उनमें से जो सबसे कम उम्र का था वो अच्छा आदमी लगता था, और बाकी तीनों। बाकी तीनों क्या? हमें नहीं मालूम। इस मोहिनी में एक गुण है, हमें कुछ नहीं मालूम कहकर सब कुछ बतला देती है। अच्छा, ये लोग ताश खेलने के अलावा यहाँ किसी और समय पर भी आया करते थे? उनमें से एक आता था मालिक के ऑफिस जाने के बाद। कौन था वो? नाम तो नहीं मालूम, पर मोटा सा, बाकी तीनों में से उम्र में बड़ा है। अरविंद हालदार के बारे में कह रही है? वो तो तुम ही से मिलने आता होगा। जी हाँ। वो क्या कहता था तुमसे? वो मुझे सोने की अंगूठी और सिल्क की साड़ी देने आया था, मैंने उसके मुंह पर फेंक दी। मेरी इज्जत इतनी सस्ती और बिकाऊ नहीं है। बस आज के लिए इतना ही काफी है, जरूरत पड़ी तो तुमसे फिर मिलूंगा। जाओ। और भी कई चीजें जाननी है। हाँ हाँ पूछिए। अच्छा ये बताइए कि सर पर चोट लगने के अलावा शरीर पर चोट के और कोई निशान थे? नहीं। मृत्यु क्या एक ही वार में हुई थी? जी हाँ, वार सर के दाहिने हिस्से में हुआ था। हथियार किस तरह का था? ये कहना जरा मुश्किल है, पर हथियार जरूर लंबा और भारी था, कटारी की तरह धार वाला भी नहीं और मोटा भी नहीं, पर कटारी के ऊपरी हिस्सा से वार करने पर ऐसा हो सकता है। रसोई में इस्तेमाल होने वाला चिमटा या कुछ और? नहीं। बड़ी सी टॉर्च? नहीं, उससे भी किसी भारी चीज का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा वार सामने से हुआ था या पीछे से? सामने से, माथे से लेकर सिर के बीच तक की हड्डी टूटी है, पीछे की हड्डी को कुछ नहीं हुआ। वार पीछे से किया गया हो ये बात क्या जरा भी संभव नहीं? संभव है, अगर आदमी की लंबाई 10 फुट से ज्यादा हो। क्या डर गए? इसे रिफ्लेक्स टेस्ट कहते हैं। इससे आदमी कितना चौकन्ना रहता है ना, ये पता चलता है। तुम तो पास हो गए। कुछ पता चला? इस केस को ध्यान में रखते हुए 3 बातें सामने आती। एक तो ये कि हत्यारे को पैसे का लोभ नहीं था,
मतलब कि हत्या पैसों की वजह से नहीं की गई थी। संदूक में पड़े हुए नगद 10,000 इस बात का सबूत है। दूसरा ये कि हत्यारा बड़े ही ठंडे दिमाग का आदमी था। और तीसरी बात यह कि मोहिनी जैसी लड़की के लिए तो कोई भी खून कर सकता है। आप बहुत देर से भाई खातों में उलझे हुए। मैं आपकी मदद करूं? इसमें तो सिर्फ पिछले 1.5 साल के हिसाब किताब वगैरह लिखे हुए हैं जब से प्राणहरि यहाँ है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या? ये खर्चे वाले कॉलम में पैसे पैसे का हिसाब लिखा हुआ है, लेकिन जमा वाले कॉलम में 35 रुपए टैक्सी। तो प्राणहरि रोज सवेरे अपने घर से ऑफिस टैक्सी में जाते थे, तो फिर टैक्सी के पैसे खर्चा वाले कॉलम में न लिखकर जमा वाले कॉलम में क्यों? यही है भुवनेश्वर दास, टैक्सी ड्राइवर, जिसने उन 4 लड़कों को प्राणहरि के घर पहुंचाया था। शायद इसे मालूम हो प्राणहरि को रोज कौन टैक्सी देता था। अच्छा, तुम क्या पहले आर्मी में थे? जी हाँ। सिपाही? जी नहीं, ट्रक ड्राइवर। तो टैक्सी कब से चलाते हो? 3 साल से। 3 साल से यहीं टैक्सी चला रहे हो? जी नहीं, यहाँ 1.5 साल से चला रहा हूँ, उससे पहले कलकत्ता में था। कहाँ के रहने वाले हो? जिला मेदिनीपुर, ग्राम भगवानपुर। और यहाँ कहाँ रहते हो? कहीं नहीं, टैक्सी में चलता हूँ। टैक्सी आपकी खुद की है? जी हाँ। अच्छा, उस रात उन 4 को आपने प्राणहरि के घर पर ही छोड़ा था? घर नहीं, घर से दूर कहीं सड़क पर उतरे थे। तो आपस में क्या बातें हो रही थी, आपने कुछ सुना? दबी जुबान में कुछ बातें कर रहे थे, पर मैंने सुनने की कोशिश नहीं की। शायद किसी लड़की के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, जब वो टैक्सी से उतरे तो क्या उनके हाथ में किसी प्रकार के हथियार थे? जी हाँ, एक के हाथ में छड़ी थी। और बाकियों के हाथ में और कुछ था? जी नहीं, कह नहीं सकता। आप यहाँ के सभी टैक्सी ड्राइवरों को अच्छी तरह जानते हैं? सभी एक दूसरे को जानते हैं, पर मैंने जान पहचान बढ़ाई नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, जिस टैक्सी में प्राणहरि रोज दफ्तर आते जाते थे, क्या उस टैक्सी के ड्राइवर को पहचानते हो? मेरी टैक्सी में आते जाते थे। पर तूने मुझे अब तक बतलाया नहीं। आपने कभी पूछा ही नहीं। जहां तक मेरा अनुभव है, हर टैक्सी ड्राइवर उतना ही बोलता है जितना जरूरी हो। हाँ, अगर भाड़े में ऊंच नीच हो जाए तो बात दूसरी है। तुम जाओ। अच्छा। आपकी समस्या हल हुई? कुछ हद तक। ये कह रहा था प्राणहरि बाबू बड़े सज्जन आदमी थे, लेकिन जो प्रमाण मिले हैं उनसे तो यही साबित होता है कि सज्जन बिल्कुल नहीं थे, बल्कि बड़े पेचीदा किस्म के आदमी थे। शायद इसे पैसे समय पर मिल रहे थे, इसलिए उन्हें सज्जन कह रहा है। लेकिन उन पैसों का हिसाब जमा खाते में क्यों नहीं है, यह बात कुछ कुछ स्पष्ट हो रही है। कैसे? प्राणहरि बाबू किसी को ब्लैकमेल कर रहा था और उसके बदले में उसे हर महीने 70 रुपए मिल रहे थे, इसीलिए टैक्सी पर 35 रुपए खर्च होने पर भी 35 रुपए टैक्सी के नाम पर जमा हो रहे थे। अब जैसे वो ब्लैकमेल कर रहा था, उसका नाम तो लिख नहीं पाता, इसलिए पैसे टैक्सी के नाम पर जमा हो रहे थे। वो जो हमारी तरफ पीठ करके बैठा है ना, ताश के पत्ते बांट रहा है, वो है मधुमेह सूर। वो जो ताश उठा रहा है ना, वो है अरविंद। बाहर मृगेन को टेनिस खेलते देखी लिया आपने? पावरफुल सर्विस है, बैकहैंड भी बढ़िया है। चलो। अरे अभी आए, अभी चले? मुझे जो मालूम करना था वो तो कर लिया, बस उनकी सेहत और हाथ पैर चलाने का तरीका।
यही तो देखना था। और कहीं चलना है? मेरे ख्याल से कल इन तीनों के घर चलते हैं। ठीक है, तो मृगन के घर से शुरू करते हैं। चलो ठीक है। मृगन, ये मेरे पिताजी के दोस्त हैं, कलकत्ते से आए हैं। मालूम है, ब्योमकेश बख्शी। जी हाँ, ब्योमकेश बख्शी, आपसे कुछ बातें करनी है। देखिए, आपके यहाँ दाल नहीं गलने वाली। बंद कर जरा। माफ करना मधु भाई बाबू, बेवक्त आपके यहाँ आदम के। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप मेरे पास क्यों आए। देखिए, प्राणहरि पोद्दार के मौत के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। अगर आपसे किसी ने यह कहा हो कि उस रात में उनके घर गया था, तो यह बिल्कुल झूठ है। मैं नहीं गया था। चल बे, दबा। टैक्सी ड्राइवर ने बयान दिया है कि आप भी वहां गए थे। टैक्सी ड्राइवर झूठा है। नमस्ते। अरे आओ फनीश, आओ। अरे कैसा ना हुआ? ये हमारे साथ। हाँ मैं जानता हूँ, आइए बैठिए। आप इतनी शिष्टता से पेश आएंगे इसकी तो हमें उम्मीद नहीं थी। क्यों? इससे पहले हम आपके दोस्त मृगेन और मधुमय दोनों से मिलकर आ रहे हैं, वो तो बात भी करने को राजी नहीं थे। बच्चे हैं, जान दीजिए उन्हें। कल रात कुछ ज्यादा ही हो गई थी, अभी तक घुमा रही है। खैर, आप लोगों के लिए क्या मंगाऊं? चाय, शरबत या बियर? अरे गदादर! नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपसे कुछ बातें कर ले, इतना ही काफी है। जरूर जरूर, पूछिए क्या पूछना है। लेकिन एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं, फनीश ने आपसे क्या बतलाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्राणहरि की हत्या की रात मैं वहां नहीं गया था। प्राणहरि की मौत के पहले भी तो आप वहां जाते थे? जी हाँ, जाते थे। हम चारों वहां जुआ खेलने जाते थे। जुए के अलावा वहां अकेले भी जाते थे? वहां एक लड़की काम करती है, मोहिनी, उससे मिलने। अच्छा, लेकिन काम नहीं बना। ब्योमकेश बाबू, आप बहुत बड़े डिटेक्टिव हो सकते हैं, पर आप दुनियादारी नहीं जानते। मोहिनी तो एक मामूली नौकरानी है, रुपया फेंकने से क्या कुछ नहीं मिल सकता। कितने पैसे दिए थे? 2000। मोहिनी को 2000 रुपए? क्या नौकरानी के लिए कुछ रकम ज्यादा नहीं है? मोहिनी को नहीं, उसके दलाल को दिए थे, बुढ़े प्राणहरि को। कैसा आदमी था? नीच, कमीना, दगाबाज। अच्छा, क्या पत्ते लगाकर काफी ठगा था उसने आप लोगों? मुझे नहीं मालूम, मैं इतना जानता हूं कि वो जीता और मैं हारा। तो फिर उसे पीटने क्यों गए थे? किसने कहा मैं पीटने गया था? जो गए थे वो लोग अपनी बात कहें, मैंने क्या था किसी को पीटने। हम लोग कहां जा रहे हैं? हम सीधा टैक्सी स्टैंड जाएंगे, वहां से प्राणहरि के घर जाना है, मोहिनी से एक दो सवाल पूछने। ये लो टैक्सी तो यहाँ खड़ी है। अरे साहब, आप कहाँ जाना है? हमें जरूरी काम के लिए प्राणहरि के घर जाना है, जरा उसकी नौकरानी से बातचीत करनी थी। साहब मुझे तो देर लगेगी, टायर पंचर है, बदलने में समय लगेगा। एक और टैक्सी आ गई, आइए। पनीस, हाँ? 15 और 35 कितने होते हैं? 50 क्यों? ठीक है, तुम जाओ, जाओ तुम जाओ। अरे ब्योमकेश बाबू, आइए आइए। क्या बात है, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। बस सब मिल गया। मिल गया? क्या मिल गया? प्राणहरि बाबू का अकाउंट किस बैंक में? अब सेंट्रल बैंक में। क्यों? इसका मतलब वहां पर सेफ डिपॉजिट वॉल्ट भी होगा। उसे खुलवाकर जो कागजात है फौरन मेरे पास ले आइए। बस यही कहने आया था, मुझे मोहिनी से जाकर मिलना है। कुछ काम है बाबू। तुम यही हो, अब तक गई नहीं? क्या करूं, पुलिस ने अभी तक छोड़ा ही नहीं। अपने घर वालों या पति को खबर दी? नहीं। क्यों? घर वाला कहां है मालूम नहीं, और माँ बाप वैसे ही दुखी हैं, ये खबर पाकर और भी दुखी हो जाएंगे।
उस रात जब तुम प्राणहरी को ऊपर से बुलाने गई तो क्या पीछे का दरवाजा खुला था या बंद? बंद था। कहीं ऐसा तो नहीं कि दरवाजा खुला था और तुम्ही ने बंद किया? जी नहीं। प्राणहरी तुम्हें हर महीने 15 रुपए देते थे ना? जी। रुपए हमेशा वक्त पर मिलते थे? जी, मेरे सारे पैसे उनके पास जमा रहते थे। जब जरूरत पड़ती थी तो 2-4 रुपया ले लेती थी। समझो तुम्हारे बाकी पैसे मारे गए। बस एक आखिरी सवाल है, तुम किसी बाएं हाथ वाले आदमी को जानती हो? बाएं हाथ वाला आदमी? यानी कि कोई ऐसा आदमी जो बाएं हाथ से अपना काम करता हो? जी नहीं। तुम्हारा आसामी, कानूनी भाषा में दलील लिखी गई है। जिला मिदनापुर, ग्राम भगवानपुर, निवासी भुवनेश्वर दास। भुवनेश्वर दास ने महाजन प्राणहरि पोद्दार से 2500 रुपए उधार लिए थे, जिसके बदले में उसने अपनी मोटर गिरवी रख दी थी उनके पास। कर्ज किस तरह से चुकाया जाएगा इसका ब्यौरा भी लिखा है। 50 रुपए नगद और प्राणहरी उसकी मोटर का इस्तेमाल करेंगे उस बाबत 25 रुपए। इसका मतलब है हर महीने 75 रुपए चुकाए जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि भुवनेश्वर दास ने ही प्राणहरी की हत्या की है। चलो भुवनेश्वर से ही शुरू करते हैं। मोहिनी भुवनेश्वर की विवाहिता पत्नी है। दोनों कटक में रहते थे। भुवनेश्वर मोटर गैरेज में काम करता था और मोहिनी घर घर में नौकरी करती थी। मोटर मैकेनिक का काम छोड़कर भुवनेश्वर मिलिट्री में ट्रक ड्राइवर बन गया। इसीलिए 2 साल के लिए कटक से बाहर चला गया। इसी बीच मोहिनी ने प्राणहरि के घर काम करना शुरू किया। अब प्राणहरि तो अत्यंत लोभी, बड़े ही घटिया किस्म का आदमी था। ब्लैकमेल करना, चोरी, दगाबाजी, इन सब तरीकों से उसने काफी पैसा इकट्ठा कर लिया था। जब मोहिनी ने उसके घर काम करना शुरू किया तो उसे लगा कि भाई ये तो पैसे बनाने का एक और तरीका है। उसने सोचा क्यों ना मोहिनी को आगे करके रईस बाप के बिगड़े लौंडों को घर बुलाकर जुआ खेलने के लिए दावत दी जाए। लेकिन मोहिनी इस तरह की लड़की नहीं थी। वो तो किसी को अपने नज़दीक फटकने भी नहीं देती थी। उसी समय उसका पति भुवन पैसे कमा कर कटक लौटा, लेकिन टैक्सी खरीदने के लिए उसके पास काफ़ी पैसे नहीं थे। इसीलिए मोहिनी ने उसे प्राणहरि से मिलवाया। प्राणहरि ने सोचा भाई पैसे कमाने का एक और तरीका है, इसीलिए उसने उन दोनों को 2500 रुपए उधार देना मंजूर किया। उसने सोचा था कि भाई दोनों मेरी मुट्ठी में रहेंगे। एग्रीमेंट बनाई, पैसे चुकाने की शर्तें भी रखी, जिन्हें दोनों ने मान ली। फिर तीनों कटक छोड़कर यहाँ पहुंचे। प्लान के मुताबिक प्राणहरि के घर 4 रईसज़ादे आने जाने लगे। तभी अरविंद हलदार की नजर मोहिनी पर पड़ी, लेकिन मोहिनी उससे दूर ही रही और उसका पति वहीं पर रहने लगा। लेकिन प्राणहरि ने उसे अपने घर पर नहीं रखा, क्योंकि उससे उसके धंधे में खलल पड़ता ना। लेकिन मुझे तो पूरा यकीन है कि भुवन चुपके से जरूर मोहिनी से मिलता रहता था। शायद इसी दरमियान मोहिनी ने उससे कहा कि बुड्ढे की नीयत तो अच्छी नहीं है, और बुड्ढा अरविंद हलदार से 2000 रुपए खाकर उसे अरविंद के साथ भिड़ा देना चाहता है। बस भुवन ने शायद फैसला किया कि बुड्ढे को खत्म कर देगा। फिर एक दिन तुम चारों ने प्राणहरि को सबक सिखाने के लिए उसके घर जाने के लिए टैक्सी ली। अब बदकिस्मती की बात है कि उस टैक्सी का ड्राइवर भुवन ही था। शायद टैक्सी में जाते जाते तुम लोगों ने मोहिनी का जिक्र किया हो या उन 2000 रुपयों की बात की हो। बस भुवन ने सोचा कि प्राणहरि को खत्म करने का यही एक मौका है। मोटर का स्पैनर लेकर वो भी पीछे पीछे निकल पड़ा। कौन? मैं हूं मालिक। क्या बात है, इस रास्ते से क्यों आए? हिसाब चुकाना है। अच्छा, अभी अभी तेरा ही हिसाब देख रहा था, पूरे 1500 बाकी है।
आज पूरा हिसाब कर देता हूँ। अच्छा अच्छा, तू जानता है मोहिनी मेरी बीवी है और तू उसे 2000 में बेचना चाहता है? तो चलो ना, फिर ऊपर जाकर देख लेते हैं। फायदा, दरवाजा तो बंद है। अरे एक बार देखने में हर्ज क्या है? सुनाओ। चलो पहली बार जब अरविंद ऊपर गया तो दरवाजा अंदर से बंद था। दूसरी बार जब चारों गए तो भुवन ने अंदर से दरवाजा खोल दिया था और पिछले दरवाजे से बाहर चला गया था। फिर जब चारों ऊपर गए तो लाश देखकर भाग गए। उस समय मोहिनी रसोई में खाना बना रही थी। उसे तो पता ही नहीं था कि घर में क्या हो रहा है। रसोई की छो छो आवाज में उसने कुछ सुना ही नहीं। जब उसने देखा कि प्राणहरि बाबू तो नीचे खाना खाने आए ही नहीं, ऊपर चले गए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और डॉक्टर के बयान से यह मालूम पड़ता है कि प्राणहरि का हत्यारा बाएं हाथ से काम करने वाला कोई आदमी है। अब प्राणहरि के माथे के दाहिने हिस्से पर चोट लगी थी, इसीलिए उसे मारने वाला जरूर बाएं हाथ चलाने वाला आदमी होना चाहिए। मृगेन जो टेनिस खेलता है दाहिने हाथ से खेलता है। अरविंद और मधुमेह भी दाहिने हाथ से ताश खेल रहे थे। तुम्हारी तरफ जब उस दिन पेपर वेट फेंका तो तुमने भी दाएं हाथ से पकड़ा, इसीलिए तुम चारों में बाएं हाथ से काम करने वाला तो कोई नहीं ना। फिर उस दिन जब मैंने भुवन को बाएं हाथ से रास्ते पर काम करते हुए देखा तो सारी गुत्थियां सुलझ गईं। क्या खबर लाए हो इंस्पेक्टर? बुरी खबर, मोहिनी वहां नहीं, भुवनेश्वर दास का भी कहीं कुछ पता नहीं। यहां से 30 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन पर उसकी टैक्सी मिली है। पता नहीं बुरी खबर है या नहीं, ये तो नहीं कह सकता मैं। प्राणहरि पोद्दार जैसे लोग जब तक इस दुनिया में रहेंगे तो मोहिनी और भुवन का भी होना बहुत जरूरी है, क्यों? आप शायद ठीक कह रहे हैं, मगर कानून को हाथ में लेना अपराध है, सामाजिक अपराध। दोनों की तलाश जारी है, पकड़े जाने पर सजा भी जरूर मिलेगी।